हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल अभिषेक। तो गाइस, क्या आपने भी इंस्टाग्राम क्यूआर कोड का नाम सुना है? तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये जो क्यूआर कोड होते हैं तो वो इंस्टाग्राम पर कैसे स्कैन किए जाते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता कि क्यूआर कोड तो उन्होंने कहीं पर भी देखे होंगे लगे हुए, पर वो स्कैन कैसे करें। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंस्टाग्राम पर क्यूआर कोड कैसे स्कैन करते हैं। उसके लिए आपको चलना होगा हमारी मोबाइल की स्क्रीन पर। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट करें हम आपको दिखाते हैं, ले चलते हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर। तो गाइस, हम आ चुके हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे। स्क्रीन पे आने के बाद अब आपको हम दिखाएंगे क्यूआर कोड को स्कैन कैसे किया जाता है। तो गाइस, मेरे पास तो किसी का क्यूआर कोड नहीं है, मैं अपना ही क्यूआर कोड को स्कैन करके आपको दिखाऊंगा। तो चलिए, उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको जो थ्री लाइंस बनी है वो सिंपल सा क्या करना, उस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाए क्यूआर कोड के नेम से, उस पर क्लिक करिए। यहाँ पे आपका पहले क्यूआर कोड शो होगा, देख सकते हैं ऊपर आइकन एक बना हुआ है स्कैन करने का। जी हाँ, देख सकते हैं यहाँ पर राइट साइड में, देख सकते हैं ये, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। अगर आपके गैलरी में क्यूआर कोड है तो वो कर लीजिए, वरना यहाँ से ऊपर स्क्रॉल करके यहाँ पे कैमरा खोल लीजिए। कैमरा खोलने के बाद आपका जो भी सामने क्यूआर कोड होगा वो स्कैन करके वो डायरेक्ट अकाउंट खोल लेगा। जैसे कि मेरा एक और फोन में मैं अपना क्यूआर कोड ऑन करके रखे हुए, देख सकते हैं, तो वो डायरेक्ट यहाँ पर स्कैन होकर मेरा क्यूआर कोड से आईडी खुल जा रही। या अगर आपकी गैलरी में कोई क्यूआर कोड है तो वो भी आप यहाँ से स्कैन कर सकते हैं, और जिसका भी वो क्यूआर कोड होगा तो उसकी वो आईडी यहाँ पे ओपन हो जाएगी, देख सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि मैं अपना ही क्यूआर कोड ओपन कर रहा हूँ तो मेरी ही आईडी ओपन हो रही। तो ऐसे इंस्टाग्राम पर क्यूआर कोड को स्कैन किया जाता है। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज लाइक जरूर कर लेना। चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना।